सो आज मैंने इसके ऊपर एक्शन कैमरा का माउंट किया है। डब्बा लगाने के बाद मैंने एक्शन कैमरा को माउंट किया। इतना स्पेस है दोनों के बीच में, इस स्पेस पे मैंने ये गाया माउंट किया ताकि मुझे सामने से व्यू अच्छा दिखे। इस तरह से मेरे एक्शन कैमरा में कैसन का CN10 कैमरा एक्शन कैमरा, इसमें हम फिट करेंगे। उसके बाद राइट करके भी देखेंगे इसकी क्वालिटी और फ़ोन की क्वालिटी दोनों कंपेयर करके देखेंगे। चलिए फिक्स करते हैं कैमरे को। तो इस तरह से मैंने इस कैमरा को माउंट कर दिया है। इसके माउंट जो हेलमेट माउंट होता है मैंने वो यूज़ किया है। Enfield का जो स्पेस रहता है मेटल का, इसके ऊपर ये फिक्स करके माउंट करके उसके ऊपर मैंने एक्सटेंशन लगा के इसको ऐड किया है। इतना ऊपर तक ये दिखाई दे रहा है, तो ये आगे का फ्रंट का अच्छा खासा कवर करेगा। अब इसको देखते हैं कि पीछे से कैसे दिखता है। पीछे से कुछ इस तरह का दिख रहा है एंगल व्यू। इफ आई मूव, इसकी रिकॉर्डिंग भी करके देखेंगे तो डिफरेंस देखेंगे कि हमें इसमें कैसा वीडियो मिल रहा है। अभी इसमें वीडियो जो सेट हो रखा है वो 4K 30 FPS पर हो रखा है। अगर आपको दिख रहा हो तो ओके। सो इसको अब चला करके देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस देता है, कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे माउंट किया है, हेलमेट माउंट में इसको बाद में करूँगा। इस तरह से इसको माउंट किया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। आप इसको फिक्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, कितना वाइड चाहिए, कितना फिक्स करना है आपको, कितना टाइट करना है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे इस तरह से देखिएगा। ओके, बाइक पे जब इसको लगा करके वीडियो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत डिस्टॉर्शन था। स्पेशली जो इसका इंटरनल माइक है वो इतना गंदा है, इतनी घटिया क्वालिटी का है, इतना डिस्टॉर्शन लेता है वो। मेरा मोबाइल भी उस टाइम में कनेक्टेड था, मैंने मोबाइल से भी वीडियो बनाया। उस वीडियो में मेरे को बाइक की आवाज़ इतनी अच्छी क्लियर सुनाई दे रही है, डिस्टॉर्शन भी कम है, नॉइस कैंसिलेशन है या क्या है पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा था फ़ोन। वहीं पर ये डिवाइस बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था, इतना गंदा साउंड आ रहा है उसमें, इतना डिस्टॉर्शन है, इतना नॉइज़ है कि हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे एक ही चीज़ करनी होगी कि मुझे उसको एडिट करके उसको रिड्यूस करना होगा, उसको वॉल्यूम। मैं वीडियो में सेम
मोबाइल का और इसका दोनों का डालूंगा ऑडियो कैसा आ रहा था। और इसने वीडियो का साइज़ भी बहुत बड़ा बनाया क्योंकि मैंने 4030 FPS पे किया था और इतना डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो, EIS काम कर रहा नहीं कर रहा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। 24 पिक्सल कैमरा है मेरे फ़ोन में, 64 पिक्सल कैमरा है तो क्लैरिटी तो रहेगी डिफरेंस। अगर वीडियो स्मूथ सुनाई दिखाई देगा तो फिर भी वी कैन से कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वीडियो भी अच्छा नहीं आएगा तो ये पर्पस सॉल्व नहीं करता है। उसके बाद तो मेरे पास एक ही चारा बचता है कि मैं इसे रिटर्न कर दूँ। तो अभी आप, मैं इसके इंटरनल माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद जाकर के मैं मेमोरी कार्ड के थ्रू अपने लैपटॉप पर चेक करूँगा कि कैसी रिकॉर्डिंग आ रही है, और उसके बाद मैं वीडियो क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा ताकि आप सब भी एक अपना ओपिनियन दे सकें कि ये बेटर है या वेस्ट है। अभी तक तो मुझे इतना खास क्लैरिटी और इतनी खास रिस्पॉन्स नहीं मिला इस डिवाइस से, काफ़ी लैग करता है, हीट हो जाता है वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें अभी देखने को मिल रही हैं। तो धीरे 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 वो सब भी कवर करेंगे, फिलहाल अभी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से कर दे तो मेरे लिए सफिशेंट है। तो देख ओके, अब मैं इसके ओवरव्यू के बारे में बात करता हूँ। ये कैमरा मैंने लिया, ये मैंने लिया अमेज़ॉन से लिया, कुछ 8,000 के आसपास पड़ा मुझे। स्टोरेज वगैरह सब मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल खरीदा, मैंने मेमोरी कार्ड खरीदा 800 रुपये का, 1500-1600 रुपये का मेरे को मेमोरी कार्ड पड़ा। ये क्लास 10 का मेमोरी कार्ड है SD का, सो ये मैंने लिया। ओवरऑल मिला करके समझ लीजिए आप, मुझे 9,500 रुपये तक खर्चा हो गया इसके ऊपर। लेकिन इसकी क्लैरिटी इतनी बेकार लगी मुझे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई इसकी क्लैरिटी। क्योंकि अगर आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं, अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप खुद भी इसको कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे फ़ोन में क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी है या इस डिवाइस में। फ़ोन में मेरे को अच्छी स्टेबिलिटी और अच्छे इमेजेस मिल रहे हैं, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो मेरे को इस पर बिल्कुल भी इतना मज़ा नहीं आया वीडियोस बनाने के टाइम में। क्योंकि मैं इसको काफ़ी, मैंने इसको अप्रोक्सीमेट 15 मिनट यूज़ करा, मैंने छत पे भी वीडियो बनाए, इससे अच्छा मेरे फ़ोन में ज़्यादा अच्छे आते, क्लियर आते। इसके फीचर्स दिए हैं इन्होंने, बहुत सारे दिए हैं, 40K 60 FPS, ये भी वेस्ट है, इसमें कुछ भी अच्छा ढंग का रिकॉर्ड नहीं होता। इंटरनल माइक बहुत गंदा काम करता है, बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता, और मेरे हिसाब से तो ये प्रोडक्ट वर्थ नहीं है जिस रेंज में मिल रहा है। 8,000 रुपये कम नहीं होते, 8,000 में आपको मेमोरी कार्ड नहीं मिलता, दूसरी चीज़ें नहीं मिलती, अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, 40K 60 FPS पर आपको एक EIS ऑप्शन नहीं मिलता जिसकी वजह से बहुत डिस्टॉर्शन होते हैं फोटोज़ और वीडियोज़ में। तो ये सब चीज़ें कंपनी को सोचनी चाहिए थी। तो ओवरऑल तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो बट ये अमेज़ॉन वाले अभी इसको रिटर्न भी नहीं करेंगे, दे हैव फैसिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट, तो वो लोग इसको रिप्लेस करके मेरे को दूसरा प्रोडक्ट देंगे जो डीलर है उसकी तरफ से, वो कंडीशन है, मैंने वो चेक नहीं करा। तो आप अगर इसको परचेस कर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया डिवाइस और आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसका ये केस भी बहुत, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से इसका ये खोलना, इसको पीछे से ये फ्लिप खोल करके बैटरी ऐड करने में भी इसको अच्छी खासी मशक्कत लगती है। तो ओवरऑल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। अगर आपके आपका कुछ अगर ओपिनियन है इसके बारे में तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।